यह रात हल्की बारिश में गीली हो चुकी थी। हवा रुक रुक कर तेज कदमों से कभी चलती थी तो कभी कहीं एक ही जगह रुक कर फूलों से लदे किसी पेड़ की तरह अलसाई हिलने लगती थी। हवा के तेज बल से कांच की खिड़की टूटकर बिखर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर मारकर तोड़ी हो। रोने की सिसकियां कहीं दीपम सुन न ले सांची उसके घर के बाहर आ गई। आँच सुलगती है जब आह भड़कती है, एक आँच सुलगती है जब आह भड़कती है। टूटता जब इश्क है रूह तड़पती है, मिटा लोगे फना होके खयामत ऐसी लाओगे, मिटा लोगे फना होके खयामत ऐसी लाओगे। मगर तमाशे से तुम क्या पाओगे, फिर सोचो जरा गुलजार कहाँ से लाओगे, गुलजार कहाँ से लाओगे, गुलजार कहाँ से लाओगे। सांची सुबह होने का इंतजार नहीं कर सकी, वो जाग गई। कमरे में सिगरेट के बड्स को देखकर उसे रियलाइज हुआ कि वो दीपम को रात भर धुएं में उड़ाती रही, लेकिन दीपम उड़ा नहीं था बल्कि वो उसके दिल के अंदर पहले से कहीं ज्यादा धस गया था। उसने अपने कमरे की छोटी छोटी खिड़कियां खोल दी ताकि ताजा हवा आ सके और सिगरेट्स की स्मेल जा सके। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रही। थोड़ी देर बाद ही वो नहाकर ढेर सारी अगरबत्तियां जलाकर सुबह सुबह किशन जी का सुमिरन करने लगी। आज उनसे बात करते करते वो फूट फूट कर रोने लगी। इस बार रोते हुए उसके भतीजे ने उसे देख लिया। 7 साल के मटरू ने उससे पूछा, मासी आप रो क्यों रही हो? सांची उसे अपने बाहों में दबोच कर देर तक सीने से लगाई रखी और बोली, अगरबत्ती के धुएं से रोना आ गया, ये अगरबत्ती अच्छी नहीं है। दीपम की कॉलोनी से सुंदर यादव गुजर रहा था।
थोड़ी देर के लिए दीपम के घर के पीछे रुका भी। गैलरी में कुछ झांक रहा था, उसे कुछ कांच वाली टूटी खिड़की नजर आई। उसने रुककर कुछ सोचा, फिर जाने लगा। तभी सामने से वॉचमैन आया और पूछा, का घूर रहे थे? सुंदर यादव बोला, नहीं यूं ही कुछ टूटा हुआ देख रहा था। अच्छा अच्छा, तीन ठोकेला दे दो तो। सुंदर यादव ने कहा, जो गला हुआ है वो लो, खप से पेट में चला जाएगा। वॉचमैन तब तक एक केला खा चुका था और दूसरा घप से मुंह में डाल भी चुका था। सुंदर यादव तीसरा केला उसके हाथ में थमाकर जैसे ही आगे बढ़ा, उसे दीपम नजर आया। दीपम एकदम लॉस्ट इधर उधर देख रहा था। सुंदर यादव मन ही मन बोला, इस पगलैट आदमी में सांची को दिखता क्या है जो पगलाई रहती है इसके लिए। और फिर दीपम को इग्नोर करके चला गया। कुछ देर बाद ही दीपम अपने कमरे में लौट आया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, रेस्टलेस नजर आ रहा था। ऐसी बेचैनी तो उसे कुछ 7 साल पहले महसूस हुई थी, जब उसे पता चला था कि निभा के ससुराल वालों ने उसे जला कर मार दिया। निभा रिश्ते में उसकी कोई नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके लिए दीपम का दिल आज भी धड़कता था। बचपन की कुछ यादों में निभा की यादें भी उसके दिल में शामिल थी। दीपम अपनी अभी की बेचैनी को समझने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर बिखरी हुई चीजों को देख रहा था कि इसी बीच उसकी नजर एक कांच के टूटे टुकड़े पर पड़ी। उसने उसे उठाया और अपनी उंगलियों से दबा दिया। कांच चुभने से ब्लीडिंग होने लगी। उसने बहते खून को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसने तो उस पट्टी को भी खोल दिया था जो सांची ने उसकी जख्मी कलाई पर बांधी थी। फिर उसकी नजर सिगरेट के पैकेट पर पड़ी और कुछ ही देर में पूरी गैलरी धुआं धुआं हो गई। सुंदर यादव आज इंतजार ही करता रह गया, लेकिन सांची ना आती हुई दिखी ना जाती हुई। आज उसने एक बार भी भोजपुरी गाना नहीं सुना, वही उसका फेवरेट। सुंदर यादव ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर अपना ठेला सांची के मोहल्ले की तरफ लेकर आगे बढ़ गया। पहले तो उसके कदमों में थोड़ी सुस्ती थी, फिर अचानक तेज रफ्तार के साथ वो सांची के घर की ओर बढ़ने लगा। इधर उधर नजरें भी दौड़ाई, ये सोचकर कि शायद सांची कहीं दिख जाए। ढूंढती आंखें, तेज तेज चलते कदम और धड़कता हुआ दिल लेकर सुंदर यादव आज एक अलग ही सफर पर था।
तेज हवा के साथ बारिश खूब हो रही थी। दीपम की टूटी हुई खिड़की से हवा तेज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टूटी खिड़की सीटी बजा रही हो। हवा की सीटी कभी लाउड होती तो कभी एक अजीब तरह की स्वीटनेस उस हवा की सीटी में सुनाई देने लगती। दीपम दोनों तरह की आवाजों से परेशान था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने एक सिगरेट सुलगाई और शुरू हो गया। एक, दो, तीन, न जाने कब उसने पूरा पैकेट ही खाली कर दिया। इसी बीच उसका वो लैंडलाइन फोन बजा जो शायद ही कभी बजता था। उसने फोन पिकअप किया पर सिर्फ गहरी सांसें सुन सका। हेलो, हेलो, कई बार बोला लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। तभी वॉचमैन आया और उसने एक लिफाफा उसको दे दिया। उस लिफाफे में एक लेटर था। वॉचमैन ने यह नहीं बताया कि यह लेटर उसे कौन दे गया, लेकिन यह जरूर कहा कि यह आपके लिए ही है। दीपम ने भी वॉचमैन से कुछ नहीं पूछा। दीपम के हाथ पता नहीं क्यों कांपने लगे। वो कुछ देर तो लिफाफे को देखता रहा, फिर किचन के स्लैब पर रख दिया। हवा की सीटी इस वक्त लाउड थी। हल्की बारिश भी हो रही थी जिसकी छींटे दीपम तक पहुंच रही थी। दीपम ने सिगरेट फिर जलाई पर बुझ गई। बहुत कोशिश की लेकिन लाइटर जला नहीं। इधर उधर दूसरा लाइटर ढूंढने की कोशिश की जो मिला नहीं। फिर झुंझला के उसने सिगरेट का पूरा पैकेट ही फेंक दिया। दरवाजे पर नॉक हुआ। दीपम सांची को सामने देख हैरान रह गया। सांची आज साड़ी पहनकर आई थी। दीपम को समझ में नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। हवा की सीटी बजना बंद हो गई थी लेकिन बारिश का शोर तेज हो गया था। सांची ने कहा, आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं साड़ी पहनकर क्यों आई, और आई ही क्यों, आपने तो आने के लिए भी मना कर दिया था। लेकिन मैं क्या करूं, शुरू से ही आपके ना को मैं हां समझती रही और अपनी हां को ना, सो चली आई। फिर वो किचन स्लैब से लिफाफे को उठा लाई और उसमें से चिट्ठी निकालकर दीपम के हाथ में पूरे हक के साथ थमाकर बोली, मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आई हूं कि आप ये चिट्ठी मेरे सामने अभी पढ़ें। इतना कहने के बाद सांची बस दीपम की आंखों में घूरती रही। हवा वाली सीटी लाउड हो गई थी लेकिन दीपम को अब कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बस सांची की आंखों में देखता रहा। सांची ने उसके हाथ से लिफाफा ले लिया और चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगी। हाँ, मैं कल से नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी, आपके बुलाने पर भी नहीं आऊंगी, लेकिन इतना बताना जरूरी समझती हूं कि आपके लिए कई बार मरी और कई बार जी उठी। दीदी नहीं चाहती थी कि मैं मुंबई में रहूं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, और जीजू बीमार क्योंकि वो मुझे लेकर ऑब्सेस्ड थे। लेकिन मैं बहाने कर कर के यहीं रही, गांव वापस नहीं गई, क्योंकि आपसे प्यार हो गया था। आपके अलावा कभी कुछ सूझा ही नहीं। आपसे पहली मुलाकात के बाद से मुझे हर एक पल याद है। 780 दिन हो गए आपको जानते, लेकिन शायद आपने मुझे कभी नहीं जाना। मैं बस इतना ही चाहती हूं कि आज आप मुझे जान लें और फिर मुझे हमेशा हमेशा के लिए जाने दें। सांची ने फिर चिट्ठी दीपम के हाथ में थमा दी। दीपम ने इस बार गौर से देखा, उसमें एक भी हर्फ नहीं लिखा था, एकदम कोरा कागज था। उसने सांची को देखा, सांची मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वो उसी कांच वाली टूटी खिड़की की ओर पीछे हटती चली गई और फिर वो दीवार को भेदती हुई बाहर निकल गई। हवा की सीटी गायब हो गई, बारिश भी रुक गई। अब वहां सांची नहीं थी।
निरुपम खड़ा रहा, बेजान सा। उसका वजूद उस कमरे में सिर्फ इतना ही था कि वो सांची के होने फिर ना होने का साक्षी बना रहा। दिन बाद जब दीपम घर से बाहर निकला तो उसे सुंदर यादव से पता चला कि सांची को मरे एक हफ्ता गुजर गया। सुंदर यादव ने उसे जोर से गाली दी। दीपम को बहुत साफ सुनाई पड़ा, लेकिन वो सी शोर की तरफ चलता गया और आती जाती लहरों के बीच खड़ा हो। अब उसे कोरे कागज पर लिखे गए हर एक अल्फाज नजर आने लगे। वो उन अल्फाजों को पढ़ने लगा। Thank you.